Hello friends, so last lecture हमने देखा what is average speed. So उसी topic को अगर हम continue करें तो अभी हमको सीखना है what is average velocity. तो average speed हमने क्या सीखा था, average speed was total distance by total time. So same logic, क्योंकि speed का डेफिनेशन हमने सीखा हुआ है, स्पीड वाज डिस्टेंस बाय टाइम, और उस डेफिनेशन से जो हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए कंटिन्यू किया था तो वहां से क्या आया था कि वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन दोनों में फर्क भी आपको पता है. तो जस्ट हमको जो एवरेज स्पीड के लिए था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, गोइंग बाय सेम लॉजिक एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम. तो एवरेज स्पीड हमने सीखा था कि जब स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होगी एक ही मोशन के दौरान तो हमको वहां पर एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगाना होगा. सेम गोज विद वेलोसिटी कि पार्टिकल पोजीशन ए से पोजीशन बी गया विद सम डिफरेंट वेलोसिटी एंड देन फिर बी से पोजीशन सी गया विद सम डिफरेंट वेलोसिटी. तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट हमें देखना है व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो अगर ए से बंदा पहले बी गया, बी से बंदा फिर सी गया, जस्ट क्या करना है डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या डेफिनेशन सीखा है, डिस्प्लेसमेंट इज लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स फाइनल पोजीशन. तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है ए सी डिवाइड बाई टोटल. तो मान लीजिए ए से बी जाने में टाइम लगा t1 और बी से सी जाने में टाइम लगा t2, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज सिंपली ए सी लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2. तो अब हमारा टाइम तो कॉमन है, टाइम आपको गिवन होगा, जस्ट हमें निकालना क्या है, ये एसी का लेंथ निकालना है, राइट. तो लेट्स से अगर ये ए टू बी और बी टू सी की बंदा कोई एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा था ऐसा, फिर वहां पे बंदे ने एक राइट टर्न लिया बराबर परपेंडिकुलर, तो ये ए टू सी लेंथ कितनी हो गई, सिंपल आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी. तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पैथागोरस थ्योरम क्या सीखा है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. आई होप ये क्लास 7, 8, 9 कभी जहाँ पर भी आपने सीखा होगा, तो आई होप ये पैथागोरस थ्योरम आपको सबको याद होना चाहिए. तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ए सी क्या है इस ट्राइंगल का, हाइपोटेन्यूज ही तो है, यानी कि ए सी को हम लिख सकते हैं, मतलब अगर हाइपोटेन्यूज को सिर्फ लिखना है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ए सी लेंथ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम, तो वही है टी वन प्लस टी टू. सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी. Just to give you the difference कि average velocity और average speed में क्या फ़र्क है, तो अगर हम इसी केस में average speed calculate कर रहे होते तो हम कैसे calculate कर रहे होते, average speed हम लिखते कि total distance, तो total distance क्या होता, वो होता AB plus BC, मगर time क्या रहता, time तो common है, तो आप क्या calculate कर रहे हो, speed calculate कर रहे हो, velocity calculate कर रहे हो, ये आपके mass पर depend करता है, लेकिन जर्नी में जितना टाइम लगेगा वो तो एकदम इंडिपेंडेंट चीज़ है ना, तो वो तो कॉमन है.
तो टोटल टाइम डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहा, बस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के टाइम हमको डिस्प्लेसमेंट देखना है. तो इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या था, सीधा लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ए पोजिशन टू सी पोजिशन, विच केम आउट टू बी अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. वही अगर हम एवरेज स्पीड देखते वो आता ए बी प्लस बी सी बाई टी वन प्लस टी टू. तो आपको फर्क दिखाई दे रहा है, वॉट इज एवरेज वेलोसिटी एंड वॉट इज एवरेज स्पीड. कंसेप्ट सेम. तो बस हमें इस बार क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमेशा हमें देखना है कि वॉट इज नेट डिस्प्लेसमेंट. दैट्स इट, सेम लॉजिक. ठीक है, तो अब इस पर हम एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, उससे आपको चीज़ें और क्लियरली समझ में आएंगी. सो हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. पोजीशन ए से एक पार्टिकल पोजीशन बी तक गया, फिर पोजीशन बी से पोजीशन सी तक गया, फिर सी से कुछ डी ऐसा गया. तो ए टू बी गया, लेट्स से ये ए टू बी 5 मीटर है, उसके बाद उसने 90 डिग्री का एक टर्न लिया. फिर बी टू सी गया, लेट्स से ये बी टू सी लेंथ जो है वो 10 मीटर है, उसने फिर से एक 90 डिग्री का टर्न लिया और सी टू डी वापस वो फिर से 5 मीटर गया. तो आप आई होप समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट डी है, ये एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट डी है वो बराबर ए के ठीक नीचे होगी. क्योंकि आप सिंपली सोचिए कि अगर आप ए से बी जा रहे हैं राइट हैंड साइड 5 मीटर, फिर आपने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, और फिर अब आप लेफ्ट जा रहे हैं बराबर 5 मीटर, यानी कि आप एग्जैक्टली ए से ए के ठीक नीचे आप डी तक पहुंच गए ना. चलिए, तो इसको मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया ताकि ये आपको क्लियर हो कि ये एक्चुअल डिस्टेंस उसने ट्रैवल नहीं किया है, ये जस्ट एक डॉटेड लाइन था शो करने के लिए आपको कि डी जो है पॉइंट डी यहाँ पर एक्चुअली है वो ए के ठीक नीचे. ओके, तो अब हमें इस केस में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालनी है. तो लेट से ए टू बी गया वो बंदा 1 सेकेंड में, और बी टू सी वो बंदा गया लेट्स से 5 सेकेंड्स में, और सी टू डी गया वो डिस्टेंस उसने कवर की लेट्स से 2.5 सेकेंड्स में. तो हमें दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड भी. वो इसलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली डिफरेंस पता चले कि स्पीड में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या फ़र्क है. ओके, तो एवरेज स्पीड का आई होप सबको रिलेशन पता है क्या करना है हमें, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 5 मीटर, तो 5 प्लस 10 प्लस 5. डिनोमिनेटर में क्या होगा, टाइम. टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, फिर 2.5 सेकेंड्स. तो 1 प्लस 5 प्लस 2.5, कितनी वैल्यू आ गई है, 5 10 15 15 5 20 डिवाइड बाई 5 1 6 प्लस 2.5 दैट इज 8.5. 20 डिवाइड बाई 8.5 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड. तो ये टोटल लेंथ हुआ, टोटल पाथ लेंथ विच इज टोटल डिस्टेंस इन गिवन टाइम. ओके, नाउ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने क्या रिलेशन देखा, हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब है कि व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम. तो ज़रा आप फिगर देखिए, तो बंदा ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. आई होप ये डेफिनेशन सबको याद है, ये हमारे शुरू के लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट सीधा क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ए टू डी, ये जो लाइन आपको दिख रही है जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ की, एक्चुअली ये लाइन ये जो डॉटेड लाइन है वही है हमारा डिस्प्लेसमेंट लेंथ. तो ये लेंथ कितना होगा,
आपको नहीं लगता कि लेंथ सिंपली BC की लेंथ के बराबर होगा, ये एक तरह का ये एक प्रॉपरली रेक्टेंगल बन गया ना एक, ये क्या हो गया 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो BC की लेंथ के बराबर हो गया। तो हमको इफेक्टिव लेंथ चाहिए, वो इफेक्टिव लेंथ बंदे ने ट्रैवल नहीं किया, वो इफेक्टिव लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। बंदे ने ट्रैवल किया वो अलग था, वो था 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 5 मीटर, जो हमने डिस्टेंस यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज सिंपली लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। इनिशियल पोजिशन हमारा ए था, फाइनल पोजिशन हमारा डी है। और ये लेंथ है कितना, ये लेंथ सिंपली BC की लेंथ के बराबर होगा विच इज़ 10 मीटर। तो हम एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे 10 डिवाइड बाई टाइम। तो अगेन टाइम तो सेम है, जितना उसको टोटल टाइम लगा, तो ए से लेकर डी तक पहुंचने में, डी पोजीशन पर पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, टाइम तो वही लगा उसको जो रास्ते से वो गया, तो 5 × 6 + 2.5, तो दैट इज सेम 8.5। तो आई होप आपको क्लियरली एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपका ये एवरेज वेलोसिटी जो आया है दिस इज 10/8.5 मीटर/सेकेंड और एवरेज स्पीड जो आया दैट इज 20/8.5 मीटर/सेकेंड। क्यों? सिंपली क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज डिफरेंट देन डिस्प्लेसमेंट। सो यही होता है आपका सिंपली एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट जब भी करना है हम सिंपली टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। ओके, सो आई होप इस सिंपल एग्जाम्पल से आपको बात डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं एक दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। तो इस बार हम क्या करते हैं, पोजीशन ए पर हमें, पोजीशन ए से हम जा रहे हैं पोजीशन बी पर। मान लीजिए ये एक्स मीटर के डिस्टेंस पर है। फिर हमने क्या किया, हमने बी पर यू टर्न लिया। यू टर्न मतलब इसी ट्रैक पर पीछे गए, बस मैं वो ट्रैक थोड़ा नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि क्लियरली दिखाई दे। तो एक्चुअली ये कोई डिफरेंस नहीं है, बस इस लाइन पर ड्रॉ करता तो वो शायद दिखता नहीं, मान लीजिए कि इसी लाइन पर ही चलिए। तो वो वापस बी से हम वापस ए तक पहुंच गए, तो हमने वापस एक कितना लेंथ ट्रैवल किया होगा, अगेन हमने डेफिनेटली एक्स मीटर ही ट्रैवल किया होगा। अगर ए से बी जाने के लिए एक्स मीटर ट्रैवल करना है तो जाहिर सी बात है फिर बी से ए पे आने के लिए भी एक्स मीटर ही ट्रैवल करना है। तो इस केस में मान लीजिए टाइम हमको जाने में लगा T1 और वापस आने के टाइम हमको टाइम लगा T2। चलिए मैं इसको नंबर नहीं देते हैं फिलहाल, ऐसे ही ना वेरिएबल में देखते हैं। तो हमें हर एक चीज़ जाननी है। तो ए से बी जाने के टाइम स्पीड क्या थी बंदे की, फ्रॉम ए टू बी, मान के चलते हैं कि ए से लेकर के बी तक बंदे ने कभी पर भी अपनी स्पीड चेंज नहीं की, तो हमें स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं इस पूरे रीजन में। स्पीड क्या रही, स्पीड रही डिस्टेंस बाई टाइम। फिर उसी तरह से स्पीड बंदे की बी से जब वो ए तक आ रहा था, स्पीड बी टू ए, तब स्पीड क्या होगी, तब होगी एक्स डिवाइड बाई T2, क्योंकि डिस्टेंस तो तभी भी क्या है एक्स ही है। ओके, अगर हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस विच इज इधर से भी एक्स इधर से भी एक्स यानी 2x डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है सिंपली T1/T2। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअल जर्नी का स्पीड भी कैलकुलेट कर लिया, टोटल जर्नी का हमने एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब हम बढ़ते हैं इन कैलकुलेटिंग वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी लेट्स से हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी जाने में वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी जाने का डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट इस बार ठीक डिस्टेंस के बराबर ही है ना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन क्या है, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन जो कि हमारा ए है टू फाइनल पोजीशन जो कि बी है। तो ये लाइन का लेंथ कितना है, इस लाइन का लेंथ सिंपली एक्स है। तो कहीं पर भी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आ गए। तो हम लिखेंगे एक्स डिवाइड बाई T1। तो आपको दिखाई दे रहा है कि स्पीड ए टू बी एंड वेलोसिटी ए टू बी दोनों बराबर सेम आ रही है। सोचिए क्यों सेम आ रही है, इसलिए सेम आ रही है
क्योंकि रास्ते में कहीं भी ए टू बी जाने के टाइम रास्ते में कहीं पर भी डायरेक्शन चेंज नहीं किया गया और स्पीड मेंटेन रखी गई, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी सेम है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहा। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं आपको जैसे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पर कि वेलोसिटी जो है वो फिजिक्स के वर्ल्ड में एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर अभी हमने समझा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको वेक्टर के कंसेप्ट से नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग इन चीज़ों को एक बार फिर से वेक्टर के टर्म्स में देखेंगे, फिर आपको मतलब इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। बट फिलहाल मैं कोशिश ये करूँगा कि आप इन चीज़ों को समझ जाएँ इन अ वेरी सिंपल लेमन लैंग्वेज, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे एटलीस्ट। बिकॉज फिजिक्स में अगर चीज़ें दिखाई दे रही हों फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आसान हो जाता है। तो फिलहाल स्पीड स्पीड फ्रॉम ए टू बी और वेलोसिटी ए टू बी दोनों एक्स बाई टी वन। अब हम लिखें वेलोसिटी फ्रॉम बी टू ए जब वो पीछे जा रहा था, तो इस बार वेलोसिटी क्या है, टाइम कितना लगा, टाइम तो टी टू लगा है, ठीक है। अब लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पोजीशन बी टू पोजीशन ए, इस लाइन का लेंथ कितना है, इस लाइन का लेंथ तो एक्स ही है, लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है एरो का, कि इस बार जो एरो है वो ऐसा है, पिछली बार एरो क्या था, ऐसा था, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दिस टाइम डायरेक्टेड ऑल्सो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, लेकिन इनिशियल टू फाइनल का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा इस पॉइंट पर, कि अगर हमें बताना है किसी सामने वाले बंदे को कि कोई पार्टिकल ए टू बी गया, उसकी वेलोसिटी है एक्स बाई टी वन, वही पार्टिकल फिर बी से ए पे आया, तो इस बार डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो ये डायरेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरफ जाने वाले डायरेक्शन को, ए टू बी जो जा रहा था ये, उस डायरेक्शन को अगर हम लेट से प्लस साइन से डिनोट करते हैं, बस एक हमको डायरेक्शन बताना है सामने वाले को, तो हम क्या करते हैं, हम ये साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ए से बी जाने के इस डायरेक्शन को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, इसके ठीक ऑपोजिट वाले डायरेक्शन को हम क्या दे सकते हैं, साइन, माइनस साइन दे सकते हैं। हम पहली बार साइन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, तो आराम से इस चीज़ को समझिए, कोई जल्दी नहीं है, कि कोई तो एक तरीका होना चाहिए ना सामने वाले को बताने के लिए कि अगर कोई चीज़ राइट हैंड साइड जा रही है या लेफ्ट हैंड साइड जा रही है तो कैसे बताएं। तो या तो उसको बोलो मुंह से कि हाँ एक पार्टिकल है वो ए से बी की तरफ जा रहा है जो कि राइट हैंड साइड डायरेक्टेड है, या हमारे स्टैंडर्ड एक्सिस सिस्टम में ये मान लीजिए अगर ए था तो ये बी है तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, ऐसा बोलो कि टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जब वो बंदा बी से ए के लिए जा रहा था तो उसको बोलो कि ये जब बी से ए जा रहा है यानी कि किधर जा रहा है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रहा है। तो या तो इतना बोलना पड़ेगा साथ में कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ कोई पार्टिकल जा रहा है, फिर जब बी से ए जा रहा होगा तो बोलना पड़ेगा कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ कोई पार्टिकल जा रहा है। तो इतना बोलने की जगह पर हम सिंपली अगर मान बता दें आपको कि यार अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो उसको हम प्लस कहेंगे, जो मैंने यहाँ प्लस बनाया, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो उसको हम माइनस कहेंगे। तो आप बस समझ जाइए ना, एक तरह का ये इशारा हुआ, एक एक लैंग्वेज, एक साइन लैंग्वेज, कि राइट हैंड साइड जा रहा है या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो उसको हम प्लस कहेंगे, मतलब जो भी वो वैल्यू होगी उसके उसके साथ प्लस लगाएंगे। तो प्लस के लिए हमको लिखना नहीं पड़ता, प्लस का मतलब अगर कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो प्लस मानते हैं। आई होप ये बात आपको पता है कि अगर कहीं पर कोई साइन नहीं है तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, प्लस है। और अगर कोई चीज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो उसको हम सिंपली माइनस से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर हम डिस्टेंस लिखते हैं तो उसको एक्स लिखेंगे, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर तक है, बी से ए की तरफ है,
तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको लिखना पड़ेगा माइनस एक्स, क्योंकि ए टू बी डिस्प्लेसमेंट और बी टू ए डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में फर्क है। तो अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट ए टू बी लिखना है तो वो किधर है, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है ना, तो उसको हमको प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम सिंपली क्या जस्ट एक्स भी तो लिख सकते हैं ना, प्लस बाय डिफॉल्ट आप मान के चलते हैं कुछ नहीं है तो वो प्लस है। लेकिन जब बी से ए की तरफ है तो जब बी से ए जा रहे थे उस बार क्या था, मैग्नीट्यूड तो सेम था, सेम लेंथ ट्रेवल कर रहा है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसी नेगेटिव हैंड नेगेटिव साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ या लेफ्ट हैंड साइड जाने की तरफ को हमने बाय कन्वेंशन मान लिया कि वो चीज़ माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स बाय टी टू। अब हम अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, जो मेन टॉपिक हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो मुझे बताइए, आप लोग खुद सोचिए, मुझे कैसे बता पाइएगा ऑब्वियसली, कि ए से बी जाकर फिर वापस बी से ए आकर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो यानी कि जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुँच गए ना। ये जो लाइन आपको डिफरेंस दिख रहा है इसको इग्नोर कीजिएगा, ये बस आपको क्लियरली दिखाने के लिए मैंने लाइन नीचे ड्रॉ की थी दूसरी, ये समझिए कि बस ये जो लाइन नीचे वाली है ये इसके ऊपर ही है। ठीक है, मतलब ये दोनों एक ही लाइन है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो आप जहाँ से स्टार्ट किए वापस से वहीं पहुँच गए, तो लाइन जो एक लाइन थी वो क्या एक पॉइंट बन गई ना सिंपली। जैसे अगर यहाँ से स्टार्ट करता है कोई बंदा और यहाँ पहुँचता है तो ये एक लाइन हुई, इस पॉइंट को नज़दीक लेकर आओ, यहाँ पर लेकर आओ, तो ये लाइन क्या छोटी हो गई। अगर यही पॉइंट घूम करके वापस से यहाँ पहुँच जाए तो जहाँ से स्टार्ट किए वापस वहीं पहुँच गए, तो जब वापस वहीं पहुँच गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ज़ीरो। जहाँ से स्टार्ट किए वापस वहीं पहुँच गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, सीधा न्यूमरेटर में आपका ज़ीरो ही आ गया ना। फिर डिनोमिनेटर में आप कुछ जो टाइम था डाल दीजिए, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस केस में, ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो हो गई, क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था मोशन हम वहीं पहुँच गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। अब अगर ऐसे भी हम देखें तो ये ज़ीरो एक्चुअली कहाँ से हुआ, ये ज़ीरो इसलिए हुआ क्योंकि आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या था, पहले एक्स, ये जो एक्स वैल्यू है, प्लस माइनस ऑफ एक्स, देख रहे हैं। दोनों डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे लिखा, पहले के डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा एक्स, दूसरे डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा माइनस एक्स। तो अब आपको यहाँ एक फ़र्क दिखाई दे रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में तो वही टाइम टी वन प्लस टी टू, तो एक फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड के टाइम पर जब हमने लिखा था तो वो एक्चुअली कैसे लिखा था, हमने लिखा था एक्स प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि दोनों डिस्टेंस थे सिर्फ, ये ए से बी तक का डिस्टेंस एक्स, फिर बी से ए तक का डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस लिखते हैं तो साइन की फिक्र नहीं करते, बस मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो वो एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो गया। लेकिन वही जब हमने डिस्प्लेसमेंट लिखना है, क्योंकि हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट पहला हुआ एक्स ए से बी वाला, फिर प्लस ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस एक्स। तो जब हम वेक्टर सीखेंगे तो हमको एक्चुअली समझ में आएगा कि कैसे हम वेक्टर्स को वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको बगैर वेक्टर सिखाए हुए जो तरीका बता रहा हूँ दैट्स गुड इनफ। इस पर हम अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वन डायमेंशन के सारे क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट कि वो वेक्टर वगैरह क्या होता है, वो हम आराम से सीखेंगे। फिलहाल बस क्या रखना है, एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि यार जब हम ऑरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ गए तो वो चीज़ वैल्यू प्लस है, और जब हम साइन डायरेक्शन उन्हें अपोजिट कर लिया तो वो क्या बन गई, माइनस बन गई। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है बी से ए तक का, और वो अल्टीमेटली क्या आ गया, जीरो आ गया। तो देखिए दोनों लॉजिक से जीरो आ रहा है। अगर हम सिंपली सोचें कि जहाँ से स्टार्ट किए थे वापस वहीं पहुँच गए तब भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ज़ीरो, और अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करें तब भी एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ एक्स विच इवेंचुअली बिकम जीरो। ठीक है, तो ये आपको आई होप अब तक एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गई हो। इस पर हम एक क्वेश्चन और करते हैं, तो
एक सर्कुलर का क्वेश्चन करते हैं, सर्कुलर ट्रैक का। तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, मैं उतना अच्छा सर्कल बना नहीं पाता हूँ, ये थोड़ा पैड पे हम लोग लेक्चर बनाते हैं तो सर्कल उतना क्लियर बनता नहीं है। आई होप आगे वाले लेक्चर्स तक सर्कल थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पोजीशन आई पर हैं और हम इस सर्कुलर ट्रैक पर चलते हुए पोजीशन लेट्स से एफ तक पहुँच गए। तो ये ऑलमोस्ट पिछले लेक्चर जैसा क्वेश्चन है, आपको इस बार एवरेज वेलोसिटी समझानी है। तो अगेन इस सिचुएशन में अगर हमको पहले एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम गए पोजीशन आई से पोजीशन एफ तक अलोंग विद सर्कुलर ट्रैक, टाइम हमको लगा टी। तो अगर हम सिंपली आई से एफ गए, टाइम लगा टी, या उसको कह सकते हैं टी वन, और फिर हम ये पॉइंट जी मान लें, हम एफ से जी तक गए, एफ से जी जाने में हमको टाइम लगा टी टू। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट। मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर टोटल डिस्टेंस, यहाँ तो आपको नहीं दिखाई दे रहा ये सर्किल का क्या है, हाफ है ना। हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, हमने पिछले लेक्चर में वन फोर्थ लिया पर उसको मल्टीप्लाई किया था। ये बेसिकली क्या है, ये वन फोर्थ भी है, ये भी वन फोर्थ है। टेक्निकली क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लेंथ है वो कितना है, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का हाफ है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, वो होता है टू पाई आर। तो टू पाई आर का हाफ क्या हो जाएगा, पाई आर। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, टू पाई आर बाई टू। ये हो गया हमारा क्या, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम कितना है, टी वन प्लस टी टू। ये हो गया एवरेज स्पीड, यानी कि पाई आर बाई टी वन प्लस टू, ठीक है। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन बंदे क्या है, आई पर है, फाइनल पोजीशन क्या है, जी पर है। तो लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम किस लाइन की बात कर रहे हैं, हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, राइट, डायरेक्टेड टूवर्ड्स, ध्यान रखिए डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस लाइन। तो हम आई से जी जा रहे हैं, तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आई है, वो पहला लेक्चर दिमाग में आपको हो, मैंने कुछ बताया था कि हमारा सिस्टम है, ये ओरिजिन है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हम किधर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, है ना, यानी कि नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन, राइट, इधर जा रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, हम एक माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो ये लेंथ है कितनी, ये सिंपली आपको दिखाई दे रहा है ये डायमीटर ऑफ सर्कल है, यानी कि यहाँ से आई से लेकर के लेट से ओ तक आर, फिर ओ से लेकर जी तक भी क्या होगा, डिस्टेंस आर ही होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया, आई टू जी का लेंथ सिंपली क्या है, टू आर, ठीक है। तो टू आर तो लेंथ हो गया, लेकिन डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको, डायरेक्शन ऑब्वियसली नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, परफेक्ट। डिवाइड बाई टाइम तो वही है, तो टी वन प्लस टी टू। बंदे को टाइम तो कितना लगा, टी वन प्लस टी टू लगा, बंदे ने यहाँ पर जिस उसकी घड़ी में जो भी बज रहा था उसके टी वन प्लस टी टू टाइम के बाद वो यहाँ जी पे पहुँचा। तो जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तभी टाइम वही लेंगे। तो ये हमारी हो गई एवरेज वेलोसिटी। तो आपको दिख रहा है कितना फ़र्क है दोनों में, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में, इट्स टोटली डिफरेंट। तो एवरेज वेलोसिटी के टाइम क्या करते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट लेते हैं डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए अभी बात ही कर रहा था कि सर्कल इंप्रूव हो जाएगा, काफी इंप्रूव हो गया प्रीवियस सर्कल से। चलिए तो इस बार हम क्या करते हैं, हम जा रहे हैं फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, और ये जो पोजीशन बी है ये ए के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री एंगल पर है, ओके। और ए से बी जाने का टाइम हमको लगा टी, और ये रेडियस आर है,
और हम इसी सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं। तो हमें पहले निकालना है एवरेज स्पीड। तो इस बार देखिए, इस बार आपको चलिए दिया हुआ है, कह रहा है कि ए से बी जाने में कहीं पर पार्टिकल ने अपना स्पीड चेंज नहीं किया, ठीक है, स्पीड चेंज नहीं किया। तो जब स्पीड चेंज हुई नहीं है तो एवरेज स्पीड सिंपली क्या हो जाएगी, स्पीड के बराबर हो जाएगी। डिफरेंस तो तब होता ना जब अलग अलग डिस्टेंस का सेक्शन अलग अलग स्पीड से कवर किया जाए। तो इस बार क्या है, इस बार एक ही सेक्शन है ए टू बी और सेम स्पीड से कवर किया गया है। तो सिंपली यानी कि जो एवरेज स्पीड है दैट इज सेम एज स्पीड, वो स्पीड ही हो गई फिर। तो उसके लिए क्या निकालना है, हमें ये लेंथ निकालना होगा, राइट, ए टू बी का लेंथ। तो ए टू बी लेंथ है कितना, अब सोचिए, आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, आप सोचिए। अब एक काम कर सकते हैं, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर थोड़ा सोच सकते हैं, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ एंड आई होप कि शायद आपने इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचा होगा। तो अगर ए टू बी का हमें लेंथ निकालना है तो हम सिंपली सोचें कि यार यहाँ से लेकर के अगर ये पूरा एंगल देखें कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर हम 360 डिग्री एंगल घूम जाएं तो टेक्निकली हम क्या हुआ, हम पूरा का पूरा सर्कल घूम गए, यानी कि पूरा सर्कमफ्रेंस हमने कवर कर लिया। तो जो पूरा सर्कमफ्रेंस है विच इज़ 2πr, दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू 360 डिग्री। तो ए से बी जाने में हम कितना डिग्री घूमें, हम घूमें सिंपली जस्ट 60 डिग्री। तो आपको सिंपल यूनिटरी मेथड याद होगा जब क्लास 4-5 में करते थे कि अगर 2 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लग रहे हैं तो 1 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे लगेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो 360 डिग्री एंगल हम मूव करते हैं जब यहाँ से पूरा वापस वहाँ पर, तो हम 2πr डिस्टेंस कवर करते हैं। अगर हम 60 डिग्री मूव करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी कि 2πr का क्या, 360/60 कितना होता है, 6 होता है ना, तो यानी कि 2πr का 1/6। ये कैसे आया, आई होप क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो आप ऐसे सोचो कि 360 डिग्री मूव करके आप 2πr डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो 1 डिग्री मूव करके कितना डिस्टेंस कवर करोगे, 2πr बाई 360 होगा, वही 2 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 2/2, तो वो यहाँ पर 360 है, तो 360 यानी कि 60 डिग्री में कितना कवर करोगे, 60 डिग्री में कवर करोगे 2πr बाई 360। ये तो एक डिग्री में कवर करोगे तो 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, इनटू 60। तो वापस से क्या आ गया, 2πr डिवाइड बाई 6 हो गया। तो यानी कि ये क्या है, 1/6 ऑफ द सेक्शन हम कवर कर रहे हैं। तो ये यूनिटरी मेथड आप आई होप कंफर्टेबल हो इसको अप्लाई करने में, ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस केस में हो गया 2πr/6, तो ये लेंथ क्या होगी, 2πr/6 यानी कि πr/3। तो हमारी एवरेज स्पीड कहें या इस केस में स्पीड कहें वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्यों, क्योंकि स्पीड कभी चेंज ही नहीं हो रही है, तो πr/3t, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड है। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अगेन एज पर द डेफिनेशन, एवरेज वेलोसिटी क्या है, लाइन ज्वाइनिंग हमें पहले क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ए टू बी। तो ये है लाइन जो कि ए से बी तक ज्वाइन कर रही है, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। तो फिलहाल हम अगर हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें, हम फिलहाल जस्ट मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये ए टू बी का हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ चाहिए, ठीक है, लेंथ। तो वो लेंथ कैसे मिलेगा, आप सोचो कि ये पॉइंट ओ है अगर, तो ओ से लेकर के ए तक का लेंथ कितना है, वो आर है ऑलरेडी। तो ओ से लेकर के बी तक का लेंथ भी कितना होगा, वो आर ही होगा ना, ठीक है। अगेन मैं कहूँगा आपसे कि आप वीडियो पॉज करें और सोचें पहले कि ए टू बी का लेंथ क्या होगा। तो अगर आपने खुद सोच लिया तो अच्छी बात है, नहीं सोचा तो कोई नहीं, मैं फिलहाल एक्सप्लेन कर देता हूँ, आगे धीरे धीरे आप खुद से ज़्यादा चीज़ें सोचना सीख जाएंगे। तो ये ए टू बी का अगर हमको लेंथ निकालना है तो यहाँ पर हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे।
तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये साइड जो है आर, ये ओ बी और ये ओ ए, ये दोनों साइड बराबर है। तो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं या ज्योमेट्री भी लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें बेसिक क्लास 9 10 की ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री जो आपको कंफर्टेबल लगे। आपको जो चीज़ सबसे पहले दिखाई देनी चाहिए आई होप कि वो ये है कि ओ ए लेंथ और ओ बी लेंथ दोनों क्या है, दोनों रेडियस हैं। तो जब दोनों साइड सेम लेंथ के हैं तो फिर ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर होनी चाहिए, इक्वल साइड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, ठीक है। और आपको दिया है कि ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो यानी कि मैं ये ज्योमेट्री अलग से लिख रहा हूँ, तो 60 डिग्री प्लस एंगल ओ ए बी, उसको मैं जस्ट एंगल ए लिखूँगा फिलहाल यहाँ पर, प्लस एंगल ओ बी ए यानी कि एंगल बी, इन दोनों क्या तीनों का सम क्या होना है, 180 के बराबर होना है। और चूंकि मैंने कहा कि ये साइड ओ बी और ये साइड ओ ए दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों सिंपली क्या है, रेडियस है, तो रेडियस है तो ऑब्वियसली लेंथ सेम होगा। तो अगर लेंथ सेम है यानी कि दोनों एंगल को क्या होना है, दोनों एंगल को सेम वैल्यू का होना है। तो लेट्स इनको हम वैल्यू दे देते हैं एक्स, तो 60 डिग्री प्लस एक्स यानी कि 2x = 180। इसका मतलब कि एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया आपका 180 - 60, दैट इज 120 डिवाइड बाई 2, तो 60 डिग्री। तो टेक्निकली क्या दिख रहा है आपको, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, अगर एक्स 60 डिग्री मतलब कि तीनों एंगल क्या है 60 डिग्री पर है, तो ये सिंपली क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि ये लेंथ भी क्या होगा, ये लेंथ भी एग्जैक्टली आर ही होगा। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब लेंथ यानी कि ए बी बाई टाइम टी, सो दिस विल बी अगेन ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट आर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी कि तीनों साइड का लेंथ बराबर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आर बाई टी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में कितना फर्क आ रहा है। एवरेज स्पीड एक टोटली अलग नंबर है क्योंकि वो डिस्टेंस बाई टाइम है, और एवरेज वेलोसिटी इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो इस बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो आर है, ठीक है। तो आई होप सब किसी को, आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको क्लियर हो गया हो कि व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली वन डायमेंशनल मोशन उनके इक्वेशंस के साथ डील करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।